All right, I have started recording. सो सोर्स नोड को हमने जो है उसके एडजेसेंट लिस्ट पे गए, आर और डब्ल्यू उसके एडजेसेंट लिस्ट के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर मुझे मिले होंगे। उसके हमने क्या है, कलर चेक किया, व्हाइट था उसको ग्रे किया, उसका डिस्टेंस डिफाइन किया और इसका पेरेंट डिफाइन कर दिया। इसकी पेरेंट नोड ऐसा है कि मैं इस तक यहाँ से पहुंचा था। सिमिलरली यही काम हमने इसके साथ भी किया, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ हो चुका है। नेक्स्ट में मेरे पास अब क्या हुआ, उसके साथ साथ जो जो नोड्स को हम कलर ग्रे करते जाते थे, उनके पेरेंट डिफाइन करते थे, डिस्टेंस डिफाइन करते थे, उनको हम क्यू में भी डालते रहते। तो पहले एडजेंसी लिस्ट के अंदर डब्ल्यू नोड लिखी हुई, तो उसने डब्ल्यू को सॉरी आर नोड लिखी हुई थी, पहले आर क्यू में गया, सॉरी डब्ल्यू क्यू में गया और फिर आर क्यू में चला गया। और क्यू है बिकॉज क्यू में फर्स्ट में फंसा, तो पहले डब्ल्यू गया था और फिर आर गया। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है वो लाइन नंबर 17 तक काम हो गया और ये फॉर लूप के दो ही दफा चली थी, बिकॉज जो हमारे पास सोर्स नोड थी उसके सिर्फ दो एडजेसेंट नोड्स थी इस ग्राफ के अंदर, तो उसके एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ आर और डब्ल्यू लिखे हुए थे। और इसके नतीजे में मेरे पास क्या हुआ, क्योंकि दो दफा ये लूप चली, दो दफा दो एलिमेंट जो है वो इन क्यू भी हो गए मेरे पास, डब्ल्यू और आर। सो डब्ल्यू पहले जो है वो इन क्यू हुआ था, अब जब डी क्यू की बारी आएगी, यानी ये फॉर लूप जब पूरी चल गई, ये फॉर लूप जब पूरी चली उसके बाद आखिरी लाइन मेरे पास क्या लिखी हुई, इस नोड के कलर को ब्लैक कर दिया जाए, विच इज रिप्रेजेंटिंग के इस नोड के तमाम एडजेसेंट नोड्स पे हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो हमने ये ग्रे किया था, इसके डिस्टेंस डिफाइन किया और इसका कलर अब जो है वो ब्लैक हमें नजर आ रहा है, और विच इज रिप्रेजेंटिंग के जो है वो ये फुली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है ये नोड, इसके अब कोई एडजेसेंट नोड्स नहीं है और ये अब क्यू में आ चुकी हैं, यानी इनके अभी एडजेसेंट नोड्स बाकी हैं। सो डब्ल्यू पहले क्यू में लिखी हुई, डब्ल्यू जो है वो जब डी क्यू ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यू ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो डब्ल्यू क्यू से बाहर आएगा और फिर डब्ल्यू की एडजेसेंसी लिस्ट को, रिमेंबर वी कैन सी दिस थिंग, वी बिलोंग टू जी एडजेसेंसी ऑफ यू, और यू क्या था, ये यू वो नोड थी जो कि हमने डी क्यू की थी। सो इस वक्त डी क्यू करने का जो मेरे पास डब्ल्यू नोड आई होगी, डब्ल्यू की एडजेसेंसी लिस्ट पे गया और डब्ल्यू के एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं उनको बारी बारी हमने चेक करना है, अगर उनका कलर व्हाइट है तो उनका कलर ग्रे करना है, डिस्टेंस डिफाइन करना है और वगैरह वगैरह। सो वी कैन सी के हमारे पास डब्ल्यू आई, डब्ल्यू के एडजेसेंट नोड्स मेरे पास एक ये टी है और ये एक एक्स है। सो मैं टी पे गया, कहीं कलर इसका व्हाइट था और एक एस भी है, रिमेम्बर इसके तीन एडजेसेंट नोड्स हैं, इसके एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर एस लिखा होगा, टी लिखा होगा और एक्स लिखा होगा। सो नाउ वी कैन सी के द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इफ चेक, के अगर ये कलर जो है वाइट है, अब इस पे अगर ये जाएगा इसका इसके साथ इसने कुछ नहीं करना, ये नोड फुली एक्सप्लोर ऑलरेडी हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे एक चेक लिखा हुआ था, इफ द कलर ऑफ दैट नोड इज वाइट तो ये सारे काम करना है, अगर वाइट के अलावा कोई कलर है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास ब्लैक आया या ग्रे आया, ग्रे का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी है तो उसको दोबारा उसमें जाने की जरूरत नहीं होती। इस वक्त हमारे पास ये ब्लैक नोड आई थी तो इसके लिए ये कुछ भी काम नहीं करेगा, यानी ये जो लाइन नंबर 14, 15, 16, 17 जो है ये नहीं चलने वाली, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर आइट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट एडजेसेंट जो है वो नोड के ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट एडजेसेंट नोड जो है इसको कॉन्स्टेंट टी नजर आई और टी का कलर व्हाइट भी था, तो इसने क्या करना है, अब टी का डिस्टेंस डिफाइन करना है। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस नोड प्लस वन, यानी एक एज इजाफी होगा। सो यहाँ इस नोड तक का सोर्स से डिस्टेंस जो है वो वन था, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास टू हो जाएगा और इसका पेरेंट जो है वो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका पेरेंट जो है वो अब कौन हो जाएगा, पहले इनिशियली निल थे, अब इसका पेरेंट जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा कि यहाँ मैं जो है वो डब्ल्यू से पहुंचाऊँ, राइट। सो वन प्लस वन यानी एक एज ज्यादा हुआ, हमेशा हम एक इंक्रीमेंट करते, इसका डिस्टेंस टू हो गया सोर्स नोड से, सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस जो है वो टू हो गया मेरे पास, और इसका भी हमने जो है वो यकीनन पेरेंट डिफाइन कर दिया होगा, और इसका पेरेंट ऑल्दो इन स्लाइड्स में लिखते हुए नहीं है बट एल्गोरिथम के अंदर इसका पेरेंट भी डिफाइन होगा, सो दैट हम ट्रैक रख सकें कि हम सोर्स नोड से कहाँ 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 से आए थे। ओके, नतीजे में दो तीन काम हुए हमारे पास, इसका कलर ग्रे हो गया इस नोड का, इसका पेरेंट डिफाइन हो गया, इसका डिस्टेंस डिफाइन हो गया और ये क्यू में भी चला गया। ठीक है, सो वी कैन सी के पहले क्यू में डब्ल्यू था, डब्ल्यू निकला और सिर्फ आर बचा होगा, और उसके नतीजे में मेरे पास उसके बाद जो उसके एडजेसेंट टी और एक्स, तो ये टी और एक्स भी जो है मेरे पास क्यू में आ चुके हैं। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ से ग्रो नहीं करना, रिमेम्बर हम इसका नाम, इस एल्गोरिथम नाम कह रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो इस अप्रोच में चलना है, पहले इस नोड पे गए, इसके हम दोनों एडजेसेंट नोड पे चले गए थे,
मैंने इसके दोनों एडजेसेंट नोड पे गया और जो है इसका जो एक एडजेसेंट नोड बाकी रह गई थी उसके एडजेसेंट नोड पे जाऊंगा। यानी हम ब्रेथ फर्स्ट मेथड के अंदर अगर आप इसको दोबारा से ड्रॉ करें, ये सोर्स नोड है, ये इसके चाइल्ड नोड और ये इसका चाइल्ड नोड। अब इस चाइल्ड के पहले मैंने ये चाइल्ड एक्सप्लोर किए, अब मैं इसके फर्दर चाइल्ड पे नहीं चला गया बल्कि जो है फिर इसी का जो है वो दूसरे चाइल्ड की तरफ चला गया। सो ब्रेथ फर्स्ट मैनर के अंदर जो है हम सर्चिंग कर रहे हैं, ये एक एक नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा आप लोग पूछ लें और ऑडियो में ही पूछ लें हाथ रेस करके। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट पे भी आप बात कर सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। साइम अंसारी को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी मैं यहीं पे हूँ, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। आपसे से मैं सवाल लेना चाहता हूँ कि यहाँ तक जो हमने बातें डिस्कस की उसमें कोई सवाल है तो आप बताइए। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आकिफ आवाज नहीं आ रही, तला जैन अब आपको आवाज आ रही है? आप अपने एंड से चेक कर लें, बाकी लोगों तक अगर आवाज जा रही है तो उसको मिलता। आप लोग ऐसा करें, चैट पे बात करें, आप लोगों की तरफ से कोई अभी बात करने की कोशिश कर रहा है और उसकी आवाज जो है मेरे पास भी बहुत डिस्टर्ब होकर कट के आ रही है। सो चैट पे बता दें सर। स्क्रीन शेयर, जी मैंने अभी आके स्क्रीन शेयर मैंने अभी खुद ही कैंसिल किया। ओके ओके, सो वी हैव सीन के इस एल्गोरिथम ने ब्रेथ फर्स्ट मैनर के अंदर कैसे काम करना है। पहले एक सोर्स नोड ली, लेट मी समराइज ऑल दैट थिंग जो हमने अभी तक देखी। सोर्स नोड से जो है उसके उसके कलर को ग्रे किया, उसका डिस्टेंस जीरो डिफाइन किया, पैरेंट ऑल्दो नील ही रहेगा इसका। फिर इसके एडजेसेंट नोड पे गया, एडजेसेंट नोड इसकी जो है वो R और W है हमारे पास। तो R और W पे जाने के बाद इनके कलर को चेक किया, अगर ये वाइट थे इनिशियली यकीन वाइट होंगे, उसको जो है वो ग्रे किया और इसके डिस्टेंस को डिफाइन किया, इसके पेरेंट को भी साथ में डिफाइन कर दिया। फिर और ये साथ में ये दोनों नोड जो है वो Q के अंदर भी डाल दिए। फिर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसने जो है इस नोड को निकाला और इस नोड के एडजेसेंसी लिस्ट पे गया। इसके एडजेसेंसी लिस्ट में S T और X यकीन लिखे होंगे क्योंकि ये नोड इनके एडजेसेंट है। Thank you.
Alright, so इस नोट का कलर चूंकि ब्लैक था तो उसने उस ब्लैक नोट के साथ कुछ भी काम नहीं करना था, जैसे कि हमारे पास चेक लगा हुआ था और इन नोट्स को फिर ग्रे कर देना था और इनका डिस्टेंस डिफाइन कर देना था 1+1 दैट इज 2 और 2 जो है इसका डिस्टेंस उसको जो है वो डिफाइन कर दिया। और इन नोट्स को क्यू के अंदर भी एंट्री करा दी और देन इस नोट को भी साथ में ब्लैक कर दिया बिकॉज इसके तमाम एडजेसेंट नोट यानी 1, 2, 3 इन सब के ऊपर ये जा चुका था। देयरफॉर अब जो है वो क्यू के हेड के ऊपर आर नोड मेरे पास लिखी हुई नजर आ रही है, वो नोड आर के ऊपर जाएगा और नोड आर के ऊपर जाने के बाद उसके एडजेसेंट नोड देखेगा। इसके एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर एक एस लिखा हुआ होगा और एक बी लिखा हुआ होगा। एस का कलर चूंकि अगेन ब्लैक है तो इसके साथ कुछ भी काम नहीं करेगा। इसका कलर व्हाइट था तो इस नोड के कलर को ग्रे करेगा। इसका डिस्टेंस रिमेम्बर 1+1 2 डिफाइन हो जाएगा और इसका पैरेंट नोड जो है वो आर डिफाइन हो जाएगी कि यहाँ तक मैं आर से पहुंचा था, तो कुछ इस किस्म का केस हो जाएगा यहाँ तक मेरे पास। ऑलराइट ओके लेट्स सी वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस लेट्स सी ओके नेक्स्ट अब हमारे पास टी एक्स और वी क्यू में मौजूद है। टी क्यू के हेड पे क्योंकि टी सब पे हम सबसे पहले गए थे तो अगेन अगेन ब्रेथ फर्स्ट मैंने यू कैन सी के पहले हम एस हमारे पास जो है वो सोर्स नोड थी और एस के जो है फिर हम एस सोर्स नोड थी हमारे पास और उसके हम एडजेसेंट नोड्स पे गए आर और डब्ल्यू और फिर पहले डब्ल्यू के एडजेसेंट नोड पे गए आर के एडजेसेंट नोड पे गए फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इन नोड्स की बारी आएगी। सो अगेन यू इफ यू कैन ड्रॉ के एस जो है सबसे टॉप पे है आर और डब्ल्यू इसके चाइल्ड नोड्स हो गए फिर डब्ल्यू के चाइल्ड एक्स और टी हो गए आर का चाइल्ड बी हो गया। सो यू कैन सी के ये ब्रेथ फर्स्ट मैनर के अंदर जो है वो सर्चिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्स और वी अब टी क्यू के हेड पे मौजूद है सो देयरफॉर पहले टी के ऊपर जाएगा। टी के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर डब्ल्यू नजर आएगा यू नजर आएगा और एक्स नजर आएगा। टी के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर डब्ल्यू एक्स और यू मौजूद होंगे सो पहले वो जो है वो W के लेट से जाता है उसका कलर उसको ब्लैक मिलता है तो इसके साथ भी कोई काम नहीं करेगा। X पे जाएगा X का कलर ग्रे मिलेगा इसके साथ भी कोई काम नहीं करेगा बिकॉज इसका हमने डिस्टेंस पहले से डिफाइन हुए हुए सोर्स नोड से और जो है वो पेरेंट भी पता है इसका T है तो उसके पेरेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी एडजेसेंसी यानी T की एडजेसेंसी लिस्ट में U नजर आएगा और U पे जाके क्योंकि कलर व्हाइट है और इसके कलर को जो है वो ग्रे करेगा और इसके कलर को ग्रे करेगा और इसका जो है वो डिस्टेंस को 2+1 यानी 3 डिफाइन हो जाएगा। आवाज बिल्कुल सर
जी मेरी आवाज का प्रॉब्लम किसी के पास नहीं। लेकिन करते हैं सर, नहीं लास्ट कोई नहीं देखता सर। कनेक्ट करने स्क्रीन आई।